एक तरफ पूर्व उम्मीद है फैमिली के लोग के फिर मुलाकात होगी और नवाज शरीफ जल्द से सैदियाब होकर जो है जाति उम्र यानी कि अपनी रहायशगाह पहुंचेंगे और पार्टी के कारकुनान भी ये चाहते हैं, मगर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज़ है। उस पर ट्वीट भी किया है मरियम नवाज़ ने और कहा है कि नवाज शरीफ को उनकी तबीयत नासाज़ है, फिर से उनको अंजाइना का दर्द जो है उनको आज भी होने लग गया और मुलाकात के दौरान ही जो है उन्होंने अंजाइना के दर्द होने पर बाईं बाजू पर जो है स्प्रे भी किया है जिससे दर्द में कमी भी हुई है और नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया मरियम नवाज़ ने। साथ साथ उन्होंने कारकुनान से दुआओं की अपील भी की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सके। दूसरी तरफ उनकी वालदा काफ़ी पुरउम्मीद नज़र आई और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो मुश्किलें सहते हैं उनके लिए ही बरकतें हैं और अल्लाह पाक उनको फिर बाद में नवाजता भी है और उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करते हैं और मैं पुरउम्मीद हूँ कि जल्द नवाज शरीफ रिहा होंगे। तहफ्फुज़ात का इजहार किया।